जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जन आक्रोश यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर खुद क्रेडिट ले रही है। केंद्र की कई योजनाओं को लेकर प्रदेश सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार अभी से ही पूरी मेहनत के साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। 200 विधानसभाओं में 10 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में यात्रा के समय प्रदेश भर में लगभग 10,000 चौपालों का आयोजन होगा। 75,000 किलोमीटर ये यात्रा विभिन्न रथों के माध्यम से तय करेगी और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें अपनी सहभागिता देंगे। जो रथ जाएंगे उनमें एक एक प्रपत्र रखा जाएगा। जो भी विषय लोगों के मन में है, जिस विषय को लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है, वो सब एकत्रित करेंगे और बाद में उसी के आधार पर हम अपना चुनाव घोषणा पत्र भी बनाएंगे, आगे के चुनाव की रणनीति भी बनाएंगे। तो वहीं भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा का करौली जिले में आगाज हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना, क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, यात्रा जिला संयोजक पूर्व विधायक रमेश मीना सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तमाम नेताओं ने हरी झंडी को दिखाकर रथ को रवाना किया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी मीना ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति अफसरशाही पर हावी है। साथ ही कहा कि यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियां और प्रदेश सरकार की विफलताओं को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। सरकार के प्रति जनता में जबरदस्त आक्रोश है और उसके विभिन्न कारण हैं, चाहे लॉयलेट की स्थिति हो, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पक्षपात हो, चाहे राजनीतिक रूप से विक्टिमाइजेशन हो। और केंद्र की जो अच्छी योजनाएं केंद्र ने राजस्थान में काम कराया, बहुत मेगा हाईवेज बनाए हैं, बहुत फ्लाईओवर्स बनाए हैं, जल जीवन मिशन जैसी योजना चलाई है, उनको जानकारी जनता में देना और जिनसे कारण जिस कारण से जनता में आक्रोश है उस आक्रोश को और उजागर करना और जनता की समस्याओं इकट्ठा करने की दृष्टि से पूरे राजस्थान में रथ निकाले जा रहे हैं, जो करीब 2 करोड़ जनता से संपर्क होगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के रथ को आज राजसमंद जिला भाजपा कार्यालय से सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने पूजा अर्चना के बाद रवाना किया। वहीं नादवारा और कुंभलगढ़ के रथों को शनिवार को सांसद हरी झंडी दिखाएंगी। इस अवसर पर विधायक दीप्ति महेश्वरी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, पूर्व मंत्री हरि सिंह रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट समेत कई भाजपा नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इससे पहले भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। आगे बढ़ते हैं। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां कोठी नारायणपुर बाईपास पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह के जयपुर से अलवर जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर अरुण सिंह ने कहा कि जन आक्रोश रथ यात्रा का अलवर जिले में शुभारंभ किया गया। जन आक्रोश यात्रा सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है, इसको लेकर सभी कार्यकर्ता उत्साहित है। बहुत जोरदार तैयारी है, सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, जनता में भयंकर आक्रोश है और यह जन आक्रोश यात्रा जो 200 विधानसभा में चल रही है बहुत ही सफल होगी।
सिरोही जिला मुख्यालय स्थित रामझरोका मैदान से बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा का आगाज आज हुआ। विधिवत पूजा अर्चना कर बीजेपी नेताओं ने रथों को रवाना किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित, जोगेश्वर गर्ग, सांसद देवजी एम पटेल, पूर्व राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, विधायक जगसीराम कोहली सहित कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं रथ यात्रा के शुभारंभ के दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। तो वही कोटा में बीजेपी प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान विधायक संदीप शर्मा और शहर और देहात के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया जा रहा है और अब जन आक्रोश यात्रा गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचेगी। निश्चित रूप से हम इस हमारी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से कल हमारी जयपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका शुभारंभ किया, आज हमारे सभी जिलों में इसका शुभारंभ है, कोटा में भी आज हमारे रथ का शुभारंभ है। कल से हमारी ये सभी हमारे जनाक्रोश यात्रा के रथ विधानसभाओं में जाएंगे। निश्चित रूप से गांव गांव ढाणी ढाणी जा करके एक एक गांव में जा करके जनता को उनके मुद्दों को भी लेंगे, उनकी समस्या को भी सुनेंगे और इस जंगल राज को उखाड़ फेंकने का आह्वान करेंगे।